जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हाँ हम न्यू मेंबर कौन सा लेकर आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो सब वीडियोस देख रखी होंगी। बट अगर आप इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाँ कौन सा हम मेंबर लेके आए हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, पूरे मुरादाबाद में, मुरादाबाद क्या मैं तो बोलता हूँ, यूपी में बहुत कम ही होंगी, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, वो वन एंड ओनली पीस होने वाला है। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइज हेयर इज द न्यू मेंबर। और गाइज ये देख सकते हो हमारी न्यू बाइक, जो कि हमने अपनी खुद की कमाई से, अपनी YouTube मनी से हमने ये परचेज करी है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट बाइक है, और फर्स्ट बाइक जो है ना वो मैंने खुद की कमाई से ली है। तो मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताओ। मैं अभी आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ कि हाँ इस बाइक के अंदर कितने सीसी का इंजन लगा हुआ है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसके अंदर जो है वो 125 सीसी का फोर्ड गियर नॉन क्लच इंजन दिया गया हुआ है। जी हाँ, इसके अंदर फोर्ड गियर नॉन क्लच, मतलब क्लच नहीं है इस बाइक के अंदर, बट चार गियर इस बाइक के अंदर डलते हैं, और 125 सीसी का पावरफुल इंजन दिया गया है। भाई इसका पिकअप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, अभी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, बट अभी पहले स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। ये हमारा 125 सीसी का इंजन दिया गया है। वहीं हम बात करें शॉकर की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मोनो शॉकर दिया गया है, जो कि भाई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करता है। आप देख रहे हो जैसे कि हमारी डर्ट बाइक है एक तरह से, ऑफ रोडिंग के लिए, तो आप देख रहे हो शॉकर कितना ज़्यादा पावरफुल और इतना मतलब परफेक्ट वर्क कर रहा है। और बात करें इसके एग्जॉस्ट की, तो भाई देख सकते हो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और इसकी मैं अभी आपको देखो साउंड सुनाता हूँ। भाई एग्जॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा बेसी साउंड निकालता है। उसी के साथ अगर हम बात करें रियर पोर्शन की, तो इसके अंदर जो है ना डिस्क ब्रेक दे रखा है, आप देख सकते हो ये इसका कैलिपर है, और यहाँ पे डिस्क प्लेट लगी हुई है। रियर व्हील जो दे रखा है उसका टायर साइज़ जो है वो 14 इंच का रेयर व्हील दे रखा है इन्होंने, और फ्रंट व्हील जो दे रखा है वो 17 इंच का दे रखा है। और इसी के साथ फ्रंट व्हील में भी हमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो इसके अंदर पेट्रोल डलता है, और पेट्रोल कैपेसिटी जो है इसके टैंक की कैपेसिटी जो है वो है 4 लीटर। जी हाँ, आप एक बार में इसमें 4 लीटर का टैंक फुल कर सकते हैं, हमारी स्कूटी के बराबर ही हो गया लगभग। बट इसमें एक मेन चीज़ जो है ना वो भाई क्लच नहीं दे रखा है यहाँ पर, आप देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि भाई कैसे चलती है। तो भाई ये सेमी ऑटोमेटिक बाइक है, इसके अंदर क्लच नहीं है, बट गियर्स 4 डलते हैं पूरे। सो अभी मैं आपको देखो इधर जो है ना, यहाँ पे इसमें इग्निशन का सिस्टम दे रखा है, यहाँ से हम की को ऑन करते हैं, यहाँ से हमने करा ऑन। अब हम आपको दिखाते हैं सेल्फ मार्केट, तो बाइक हमारी न्यूट्रल में है, एकदम क्विक स्टार्ट है भाई सेल्फ से, और देख सकते हो किस तरह से आइडल पे कितनी अच्छी साउंड कर रही है भाई।
आपने देख ली। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये जो हमारी बाइक है वो रोड लीगल बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको रोड पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके कोई पेपर्स नहीं है, इसका कोई हमने टैक्स पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो हम इसको एलिजिबल नहीं है कि हम इसको अपने रोड हाईवेज पर चला सकें। सेकेंड चीज़, ये बाइक जो है वो मेड इन चाइना है, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट हो रही है और असेंबल हो रही है, यहाँ पे किसी भी तरह से मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। तो ये भाई चाइना से इंपोर्ट होती है बाइक। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंडियन बाइक है तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें आप, ये इंडियन बाइक नहीं है। आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि भाई ये चाइना की बाइक है तो इसके पार्ट्स कहाँ से आएंगे। जी हाँ, पार्ट्स में तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बट जो बंदा नोन है, जिसके अंदर स्किल्स है ना, तो वो इसको मैनेज कर सकता है क्योंकि इसमें किसी ना किसी बाइक के पार्ट्स ईजिली फिट हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी बाइक में कुछ चीज़ चेंज होगी, मॉडिफाइड होगी या ख़राब होगी तो हम चेंज करेंगे, तो इस चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर पोस्ट करेंगे क्योंकि भाई इस बाइक से रिलेटेड अभी यूट्यूब पे ज़्यादातर कंटेंट नहीं है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपना फ़र्ज़ ये है कि इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को दी जाए। भाई क्लच है नहीं, अगर आपको आदत है क्लच से गियर शिफ्ट करने की तो भाई इसमें क्लच नहीं है, गियर शिफ्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है और मेनली बिगनर्स को दिक्कत आएगी क्योंकि बिना क्लच के गियर्स डालना, जो बंदा टेक्निक जानता है वो तो डाल सकता है, बट जिसको टेक्निक नहीं पता तो उसको दिक्कत आनी है। इसका माइलेज तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ 35 तो ये दे रही है, अभी ऑन रोड हमने चेक नहीं किया है। कंपनी क्लेम करती है, कोई बोल रहा था कि ये 50 का माइलेज देती है, कोई बोल रहा था 60 का माइलेज देती है, बट मेरे को अभी, मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस वगैरह नहीं करवाई है तो मेरे को 30 से 35 का अप्रोक्स बता रहा हूँ, अभी मैंने मेजर नहीं किया है, बस आइडिया से बता रहा हूँ। सो वो चीज़ चलो देखेंगे, सेपरेट वीडियो निकालेंगे उसका। ये भाई इसका एग्जॉस्ट, ये आप बैंड पाइप देख रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा हीट होता है ना भाई कि मैं 2 बार तो मैं जल चुका हूँ इससे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ले रहे हो तो ना इसका भाई सॉल्यूशन निकालना। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, जो हमारी हीट रेजिस्टेंट रैप आता है वो हम इस पर लगाने वाले हैं, जिससे कि यह थोड़ा हमारी स्किन बची रहेगी। कि हम बात करने वाले थे वो थे इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो इन्होंने कंपनी ने दे रखा है, बट ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता, आप देख सकते हो पूरा चढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा टाइट चल रहा है और ब्रेक ऐसा जितने मज़े नहीं आ रहे हैं, जैसे डिस्क ब्रेक के होते हैं, ब्रेक मारते सस्पेंशन दबते हैं, सस्पेंशन नहीं दब रहे हैं। तो मेरे को ये चीज़ बड़ी बेकार लगी इसमें, सीरियसली। बाकी सब चीज़ एक तरह से हम टेयर कर सकते हैं, बट सस्पेंशन की चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत लगी। देख रहे हो मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो सस्पेंशन नहीं दब रहा है, मुझे पूरा इस पर प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब जाके नीचे जा रहा है सस्पेंशन। तो भाई किसी ने मुझसे ये भी बोला कि ऑफ रोडिंग बाइक में टाइट सस्पेंशन चलते हैं, बट मेरे को तो पता नहीं था, बट देखते हैं। फिर भी यार ये सस्पेंशन तो अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम मडी एरिया में जब ऑफ रोड करते हैं तो सस्पेंशन अच्छे से वर्क करने चाहिए, बट इसके देख रहे हो कितने ज़्यादा दबाने पड़ रहे हैं और इसी वजह से मैं स्टॉपी भी नहीं मार पा रहा इस पर क्योंकि ब्रेक ऐसा जितने मज़े के नहीं आ रहे। जैसे मैं ला रहा हूँ तो देख रहे हो स्टॉपी लगने में इसमें दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, वो हम इस पर जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्टॉपी भी हो जाएगी। तो मेनली ये 2-3 इसके ड्रॉबैक्स थे, मैंने आपको बता दिए। सबसे ज़्यादा मेरे को एक तो ये एग्जॉस्ट का लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का लगा इसका। इसके अलावा बाइक जो है, जितने हमने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इसकी MRP जो है 90,000 अमेज़ॉन पे मिल रही है, और जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो 65, 70, 60 इस तरह से दे रहे हैं। हमें जो ये ऑफ़र प्राइस में पड़ी वो पड़ी 60,000 की, तो 60,000 में वर्थ इट है। बाकी 2-3 चीज़ें जो कमियाँ थी वो मैंने आपको बता दी, और इसकी सीट यार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट में मेरे को मज़ा आ गया, आप देख रहे हो इसकी सीट जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और रियर सस्पेंशन भाई बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। और इसी तरह से हमारी कुछ ये बाइक है और आप इन्हें देख लिया है, ये हमारी खुद की कमाई की बाइक है, तो भाई मज़ा भी आ रहा है इसको चलाने में। और आप यार इस वीडियो के थ्रू अगर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि भाई बहुत बहुत ख़तरनाक कंटेंट आने वाले हैं इसके ऊपर। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।